पारस होटल बहुत ही अच्छा है, अगर आप आइए कभी भी तो पारस होटल पर जरूर रुकिएगा। शर्मा जी मेरा बैग अंदर आ गया, बाकी है बैग आया कहाँ अभी तक? ओह माय गॉड, याद दिला दी मैंने, तो मेरा बैग जो है वो रह गया, मैं लेके आता हूँ फटाफट 200 की स्पीड से। जो बैग है वो यहाँ पे है, और बैग मैंने ले लिया, और बैग के साथ में ये पड़ी का भी रह गया था वो भी ले लिया मैंने, इसको भी जाने दो, इसको भी पीछे जाने दो। शर्मा जी जो है इस पर गाड़ी ड्राइव कर, सो हम लोग अभी आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना शानदार मौसम है, देखिए बादल जो है यहाँ पे, बादलों का जो सीन देखिए कितना प्यारा है, मतलब बादल छाए हुए यहाँ पे। सो फाइनली गाइस, आज हमें हमारा लेक सिटी उदयपुर के अंदर सेकंड डे, आप देख पा रहे होंगे दिस इज माय फेवरेट पेंटिंग दिस होटल फॉर पारस होटल उदयपुर। तो आज हम जो है यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, आज सेकंड डे, फाइनली दो दिन के लिए हम रुके थे यहाँ पे उदयपुर के अंदर, और देखिए कंडीशन क्या कर रखी है हमने रूम की, देखिए हमारी हम भारत वाले हैं ना, इंडिया वाले जब आते हैं तो रूम हमारे को बहुत क्लीन एंड चीट मिलते हैं, जब जाते हैं ना तो देखिए क्या कंडीशन करके बोलो, बट बढ़िया होना थी, हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पहले फतेह सागर झील पे, उसके बाद सबसे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए मेरा बैग रेडी हो गया, शर्मा जी का बैग, शर्मा जी यहाँ पीछे टंगा लिया, शर्मा जी यहाँ पे एकदम रेडी हो चुके हैं, तो शर्मा जी रेडी हो चुके हैं। चलिए मैं बैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने बैग जो है अपना ये वाला बैग जो है मेरा मैंने ले लिया है, जो कि मैंने गुरुकुल से लिया था, कुछ रहे तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए गाइस ये रिमोट वगैरह ये इन्हीं का है मेरा, इसमें से कुछ भी नहीं है। ये कप है चाय के जो कि अपना नहीं है, कार्ड्स है, कार्ड्स का फोटो ले लिया है, पेंटिंग से एक बार ऊपर की पेंटिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। शर्मा जी ने लिफ्ट का बटन दबा दिया, लिफ्ट आ चुकी है फाइनली, और चाबी इसकी यार लेना भूल के, चाबी नीचे डिस्क्रिप्शन में जमा करवानी पड़ेगी ना रिसेप्शन में, चाबी ले ली हमने, लाइट चली गई यहाँ पे, दरवाजा इसे क्लोज, ओह माय गॉड ये लिफ्ट वाला दरवाजा भी क्लोज हो गया है, फिर से खुल चुका है लिफ्ट वाला दरवाजा। तो फाइनली लिफ्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं, वही नई वाली लिफ्ट, और मैं और शर्मा जी चाबी अभी काउंटर पर जमा करवा देंगे, और यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं फिलहाल। मैं डिस्क्रिप्शन इस होटल का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग कभी भी आइए उदयपुर, तो इससे बेटर होटल कोई हो ही सकता, मतलब अगर आप कपल्स में हैं, फैमिली में हैं, सिंगल हैं, भगवान ना करे कि आप मेरी तरह सिंगल हो, ये बड़ी अच्छी बात कही है आप फैमिली में आए या फिर कपल्स में आए, बट होटल अच्छा है काफ़ी, यहाँ पे खाना भी नीचे ही मिल जाता है, कनिका प्लेस जो इनका है, खाना और होटल दोनों रहने के लिए काफ़ी। फाइनली हमारे जो डेस्टिनेशन आ चुका है, ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं, देखिए लाइट यहाँ पर थोड़ी जो है तो बोलते हैं, और यहाँ पे देखिए महाराणा प्रताप सर का ये सब पेंटिंग्स लगी हुई है, काफ़ी सुंदर सुंदर एक से एक, मतलब तो सर यहाँ पे बैठे हैं, कैसे सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तो पहले तो चाय भी जमा कीजिए, गुड मॉर्निंग, और हमारा बिल बना दीजिए, और चेकआउट कर रहे हैं बिल्कुल। तो फाइनली जो है मैंने यहाँ पे सर को जो चाबी हैंड ओवर कर दी है, और कांजी भाई कहाँ है? कांजी भाई कांजी भाई नाइट में ड्यूटी रहती है ना, कांजी भाई का मैं सबसे बड़ा फैन क्यों पता है, वो मेरे को मोटे बहुत अच्छे लगते हैं, मोटे है ना वाला वोपड़े तो उनका मोटा हुआ मुझे काफ़ी अच्छा लगा सही में। मैं इस होटल में जब भी आता हूँ वो मोटे बड़े भाई कहाँ है कांजी भाई कहाँ है ये बोलता हूँ। तो फाइनली हमने दो दिन हमने यहाँ पे स्टे किया, और आप लोग भी आइएगा यहाँ पे, काफ़ी अच्छी होटल है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था, इस बार भी वीडियो में, मैं जब भी उदयपुर में आना आता झीलों की नगरी में इस होटल में मैं ज़्यादातर रुकता हूँ, क्योंकि ये एकदम सेंटर पॉइंट पड़ता है उदयपुर बोले तो, बस स्टैंड के बिल्कुल करीब है, रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे मात्र बहुत करीब है। रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पे है सर? आधा किलोमीटर, मात्र आधा किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, और बस स्टैंड की तो क्या बात करूँ, मात्र सामने आप यहाँ से होटल से निकले सामने बस स्टैंड है, तो आपको बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा दोनों डेस्टिनेशन। आप लोग आइए ज़रूर, पधरिएगा, मारवाड़ी में कहावत भी है पधारो मारे देश, तो आओ कभी उदयपुर झीलों की नगरी में, तो इस होटल में ज़रूर रुकिएगा पारस में एक बार, आपको श्रीनाथ जी के वगैरह दे, देखिए श्रीनाथ जी यहाँ पे, और दर्शन लेके ये वेलकम करते हुए आपका, श्रीनाथ जी के दर्शन मैं आपको करवा लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ साथ में एक बार फिर से, ये हमारे प्रभु श्रीनाथ जी, तो पारस होटल में सबसे पहले आपको इनके दर्शन हो जाते हैं, और खाने के लिए भी इनका ही रेस्टोरेंट है, जो कि आपको यहाँ से भी एंटर हो सकते हो, बाहर से भी हो सकते हो, कनिका नाम करके, देखिए ये इनका रेस्टोरेंट है कनिका नाम करके, तो रात को हमने यहाँ पे खाना वाना खाया था, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत टेबल से, कल रात को हमने यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। चलिए वीडियो को कंटिन्यू रहना, क्योंकि हम जा रहे हैं फतेह सागर, यहाँ से तो चेकआउट कर लिया है, लेकिन फतेह सागर थोड़ा घूम के फिर हम निकलेंगे अहमदाबाद की ओर, तो थोड़ा मिलते हैं सीधा फतेह सागर में। शर्मा जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस होटल के अंदर, ये बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर होटल है, और रुकने वाले सुंदर हैं तो होटल तो सुंदर होना ही है, और होटल सुंदर है तो रुकने वाले भी सुंदर ही होंगे, तो आगे मिलते हैं हम लोग जेके। दोस्तों एक और गुड न्यूज आपको बता देता हूँ, इस बार पारस होटल में बहुत ही बड़ा हंगामा होने वाला, हंगामा होने गुड न्यूज अच्छी वाली, वो मैंने को सर जो है यहाँ पे, तो सर ने मुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज बताई है, यहाँ से मैं चेकआउट कर रहा था, सर ने बताया कि आने वाले टाइम में आप
गुजरात से या पूरे वर्ल्ड से पूरे इंडिया से कहीं से भी अगर आप उदयपुर जिलों की नगरी में आते हो तो आपका सबसे पहले तो वेलकम है, पधारो हमारे देश। और होटल उदयपुर के अंदर आप अगर आते हो हमारे पारस होटल के अंदर तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, काफ़ी यहाँ पे चेंजेस किया जा रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सर मुझे व्हाट्सएप पर बता रहे हैं, ये मैं फोटो ऐड करके बता दूँगा आगे। देखिए ये बाहर का कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा नज़ारा, फिर ये इस तरह के चेयर्स मिलेंगे आपको, और ये रूम जो है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सारे रूम में जो है चेंजेस होने वाले हैं। आपने वीडियो में आगे भी देखा होगा जिस रूम में हम ठहरे थे वो रूम पुराना कैसे लग रहा था और नया जो है ये सर बता रहे हैं। देखिए इस तरह का पूरा मतलब जो है, कब तक हो जाएगा सर जी वैसे ये? एक महीने के अंदर ये सारा ये पूरा ये देखिए इस तरह से आपको LED लाइट डेकोरेशन वगैरह मिलेगा। ये बच्चों का रूम है, बड़ा रूम। अच्छा बच्चों के लिए किड्स रूम वगैरह भी अवेलेबल है, तो अगर आप फैमिली के साथ है तो बच्चों के साथ है तो आपको यहाँ पे किड्स रूम भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारा चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे अपने पारस होटल उदयपुर उदयपुर के अंदर, जो कि आप आएंगे इसका लुत्फ ले पाएंगे। और सर ने बताया एक महीने के अंदर ही वैसे, तो मैं वैसे जल्दी से जल्दी मैं एक प्रोग्राम बनाऊँगा, वन मंथ के अंदर यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे सर से जो है यहाँ पे इसी ऐसे रूम्स में वगैरह फिर से बुक करवाएंगे। अगर वेलकम टू राजस्थान, और हमारे जो होटल है पारस इसके अंदर आप विजिट कीजिए, और जो चेंजेस होने वाले वो मैंने आपको आगे वीडियो के अंदर बताए हैं, और आप आइए एक बार पधारिए, ठीक है ना। तो फाइनली मैं यहाँ चेकआउट कर रहा हूँ, बिल बना लेता हूँ, पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलती है सीधा अपन फतेह सागर में। फाइनली दोस्तों पारस होटल के अंदर मैंने जो है चेकआउट कर लिया, उसके बाद जो मैंने खाना खाया था रात को, आपने वीडियो देखा होगा आगे वाला बर्थडे सेलिब्रेट वाला, हमने रात को ये भी बर्थडे सेलिब्रेट जो हमारी दिल्ली वाली फैमिली मारवाड़ी फैमिली आई थी। एक्चुअली हम लोग इस टेबल पर बैठे थे और हमारी जो मारवाड़ी फैमिली यहाँ पर सेलिब्रेट करती बर्थडे सेलिब्रेट। लेकिन इस होटल कनिका की अगर मैं बात करूँ तो कनिका पैलेस होटल के अंदर आपको खाना मतलब उदयपुर के अंदर उच्च क्वालिटी का शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पर मिलता है। बाकी यहाँ पे बाबी जी वगैरह सब लोग जो यहाँ पे बैठे थे, ये हैंड वॉश है, ये फ्रीजर्स है, और उस साइड में जो है अपनी होटल पारस है। तो आप आइए, आपका वेलकम है होटल कनिका पारस के अंदर उदयपुर के अंदर सेंटर पॉइंट पड़ेगा। भैया बैठे इनसे जानते हैं, इनको जानते हैं, भैया इतना अच्छा खाना कैसे प्रोवाइड करते हो आप? सर शुरू से हमारा ऐसा ही रहा है, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल अच्छा फूड नहीं है। अच्छा ये वीडियो देख के कोई अगर आना चाहिए तो परफेक्ट लोकेशन क्या पड़ेगा उदयपुर के अंदर खाना खाने के लिए? बस स्टैंड के पास में है, उदयपुर बस स्टैंड के पास, उदयपुर बस स्टैंड के पास में ऑन रोड। बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया ने बताया उदयपुर बस स्टैंड के पास में एकदम ऑन रोड है, आप लोग आइएगा, वेलकम है आपका। यहाँ पे खाना खाइएगा, यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है, शुद्ध शाकाहारी और 101% वेजिटेबल। सबसे अच्छी बात यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है जो आपने वीडियो में देखा होगा आगे। सो फाइनली गाइस जैसा कि आपने देखा मैं अभी यहाँ से चेकआउट कर चुका हूँ, पेमेंट भी कर दिया मैंने पारस होटल का, और अपने कनी का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर मैं ठहरा था वहाँ का भी पेमेंट मैंने कर दिया है। और आप देख पा रहे हो कि पारस होटल जो है यहाँ का पूरा जो है लोकेशन अभी चेंज होने वाला है, जो कि सर ने अभी बताया आगे। और शर्मा जी जो है वो गाड़ी लेके आ चुके हैं हमारे, और अभी हम लोग निकलने वाले यहाँ से फतेह सागर पके सागर जो लेक है वहाँ पे भी थोड़ा मस्ती मजाक करने वाले, थोड़ा घूमने वाले हैं वहाँ पे उदयपुर लेक सिटी जो बोलते झीलों की नगरी। तो पारस होटल बहुत ही अच्छा है, अगर आप आइए कभी भी तो पारस होटल पर ज़रूर रुकिएगा। शर्मा जी मेरा बैग अंदर आ गया, बाकी है बैग आया कहाँ अभी तक? ओ माय गॉड याद दिला दी मैंने, तो मेरा बैग जो है वो रह गया, मैं लेके आता हूँ फटाफट 200 की स्पीड से। तो देखिए मैंने डोर ओपन कर लिया है और मेरा जो बैग है वो यहाँ पे है, तो दोनों का पेमेंट कर दिया सर जी, यहाँ का भी हो गया वहाँ का भी हो गया। चलिए जय माता जी, मिलते हैं फिर जल्दी, है ना। तो बिल्कुल, तो सर से मैंने जय माता जी कर ली है, ये हमारा रिवाज है, मारवाड़ी रिवाज राजस्थान का। तो होटल में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं आपको आगे देखने को मिलेंगे, और बैग मैंने ले लिया, और बैग के साथ में ये पड़ी का भी रह गया था वो भी ले लिया मैंने। तो चलिए चलते हैं सीधा फतेह सागर, डोर ओपन कर लिया गाड़ी का, इसको भी जाने दो, इसको भी पीछे जाने दो। शर्मा जी जो है इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शर्मा जी कैसा लगा उदयपुर में इस होटल में रह के? बहुत सुंदर लगा। तो फाइनली दोनों होटल्स का हमने पेआउट्स वगैरह कर दिया, पेमेंट्स कर दिया। अभी हम जाते हैं सीधा फतेह सागर की तरफ, ये है पारस होटल। आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारा बदलाव यहाँ पे मिलेगा, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे रूम होने वाले यहाँ पे, रूम बहुत अंदर होने वाले, इन्होंने बताया सर ने मुझे। अच्छा, और मैंने बोला व्हाट्सएप पे मुझे फोटो भी भेज देंगे, वो सारे मैं वीडियो में ऐड भी कर लूँगा। तो हम लोग नेक्स्ट मंथ आएंगे तो उस टाइम पे हम लोग यहीं स्टे करेंगे और क्या। और अब मैं तो रेगुलर यहीं पे स्टे करता हूँ कभी भी आता हूँ तो। और बच्चों के लिए किड्स रूम अलग से बना रहे हैं, बहुत प्यारे रूम बना रहे दोस्तों, आप लोग आइएगा जरूर, पधारिएगा, वेलकम टू उदयपुर राजस्थान झीलों की नगरी। सो हम लोग अभी आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना शानदार मौसम है। देखिए बादल जो है यहाँ पे
बादलों का जो सीन देखिए कितना प्यारा है, मतलब बादल छाए हुए यहाँ पे, और ये यहाँ पे सारे लोकेशन डाल दिया आपने, तो लोकेशन भैया ने डाल दिया यहाँ पे, फतेह सागर लेक पे हम जा रहे हैं। एक मिनट में पासपोर्ट फोटो, वाह भाई वाह, बचपन की याद दिला दी। हम लोग जब राजस्थान बाड़मेर में रहते थे ना, स्कूल पढ़ने जाते थे, वहाँ पे ऐसा लिखा होता हमारा 3 दिन में फोटो, लेकिन उस जमाने में तो टाइम लगता था, अभी तो 1 मिनट में पासपोर्ट फोटो तैयार होता है ना, तो कितना बदल गया है ना टेक्नोलॉजी दोस्तों। उस टाइम 3 दिन लगते थे फोटो, पासपोर्ट फोटो, हम फोटो स्टूडियो पे जाके जब भी कोई देने होते थे कार्यक्रम में, तो 3-4 दिन बाद में फोटो आते थे। अभी यहाँ पे पोस्टर देखा हमने, 1 मिनट में फोटो, वाह बहुत। अभी तो वीडियो भी आ जाता है फोटो की, क्या बात करते हो, टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल गया है। So it's a very beautiful cities for Udaipur, Rajasthan is the lake cities and from traffic की वही हालत है। देखिए यहाँ पे हेलमेट का पालन किया जा रहा है, भैया ने हेलमेट पहना हुआ है, उसके लिए मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इन भैया की जो हेलमेट पहन के यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं। देखिए सावधानी मैडम, भाई जी, भाभी जी वगैरह, देखिए ब्यूटीफुल मैडम जो है वो बुरका बांधे हुए जा रहे हैं, ये तो ऑफिशियल मैडम लग रहे हैं। देखिए इन्होंने सूट वूट पहना हुआ है, मीटिंग में जा रहे हैं, इन्होंने हाथ दिखा है इनसे, इनको राइट से जाना है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, कोई नहीं, रिस्पेक्ट कीजिएगा। और जगदीश पैलेस रेस्टोरेंट डाइनिंग हॉल यहाँ पे है मौजूद, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, पता नहीं अंदर से कैसा होगा। ये भाई ने हेलमेट नहीं पहना था, इनको चालान बनाया जाए, पुलिस वाले भाई साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इनका चालान बनाइए फट से। और राजस्थान रस भंडार, यहाँ पे आपको राजस्थान का ताज़ा ताज़ा रस मिलेगा, गन्ने का रस, यार पहले सुन लीजिए अच्छे से, जहाँ बोलोगे राजस्थान का रस का मजा तो राजस्थान का, और ये फेमस भी है, मुझे लास्ट टाइम मेरे मित्र ने बताया था। तो ये गन्ने की दुकान जो है गर्मी के अंदर सीजन में चलती है, तो यहाँ पे आपको ताज़ा रस मिलेगा गन्ने का, भाई साहब पहले अच्छे से सुन लीजिए, है ना। ये देखिए मैडम ने भी ताज़ा ताज़ा रस पिया है, मैडम कैसा लगा आपको? मैडम थोड़ा शर्मा रहे, बोल नहीं पा रहे, बात अलग है। तो ओहो ब्यूटीफुल लिपस्टिक ज़्यादा नज़र आ रही थी यार जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, मतलब जिसकी बीवी जिंदा है उसकी बीवी जिंदा है, गर्लफ्रेंड जिंदा है ऐसा नहीं, बिल्कुल जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा अरे राम प्रभु, वो बस पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा है मेरे को, काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे वो आ रहा है, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में मुझे कमेंट करके बताना, जो अभी आया था ना थोड़ी देर पहले ऐसे। तो ये मैंने वो फिल्म में देखा, हम आपके है कौन में, सल्लू भाई वगैरह है ना, माधुरी जी वगैरह है, तो वो सीन मुझे बहुत प्यारा लगा, काफ़ी रोमांटिक लगा अगर मेरी भूतपूर्व प्रेमिका अगर ये वीडियो देख रही है तो समझ जाना यार, इट्स वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स। सीन काफ़ी प्यारा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एकदम मतलब जो मुंबई की याद दिला दी इसने मुझे गोरेगांव की याद दिला दी, गोरेगांव जो चौपाटी है जहाँ पे काफ़ी सारे बॉलीवुड का शूट होता है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन यार।